इमराती लोकल Couples and Christmas trees, gift wrapping and cheer. Just the worst. Morning, pair. दोस्तों, so मैं तैयार हो रही हूँ. आज हम जाने वाले हैं breakfast करने के लिए किसी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में. आई थिंक वो केरला स्टाइल है. केरला का खाना हमने कभी भी नहीं खाया है, तो एक्साइटेड हूँ उसको खाने के लिए. एंड उसके बाद हमें आज ये होटल से चेकआउट करके डिफरेंट होटल में भी जाना है. It's been a week, but it feels so much longer. And knowing that you're not alone makes it harder. They say to wait as long as it takes, but you didn't wait. You're over there. अगर दो अंडा लेना हो एक्स्ट्रा एग दे दो मुझे. ऐसे करो आप तीन एग दे दो. तीन बॉयल. हाँ, चार चार दे दो. चार बॉयल एग. एग रोस्ट कितना चाहिए? एग रोस्ट. एग रोस्ट क्या होता है वो? एक तो सेमी ग्रेवी वाला है. हाँ, नहीं तो चिकन करी है, कटला करी, काला वाला कटला. नहीं, एग रोस्ट वो काला वाला करी. दो कटला है. कटला मतलब वो चना है ना. हाँ, ब्लैक वाला चना. हाँ, नहीं पराठा कैसा है? इससे अच्छा अच्छा चलेगा वो कर लो. वेजी वेजी है वो. वन एग रोस्ट करेगा और वन चना करेगा. हाँ ठीक. और साथ में एक बॉयल एग तो देखने के लिए. हां, सो इसमें चना होगा एंड बॉयल. हां, छोटा वाला पोर्शन है. हां, एंड बॉयल एंड पराठा. ओके, फॉर हिम ओनली. विद पराठा विद एग करी. विद एग करी कर लो. या एंड एक डोसा कर लो. मसाला डोसा मैं नहीं खाना है. डोसा मैं नहीं खाना. वन डोसा चाहिए. और आपके पास वो छोले भटूरे हो तो नहीं होंगे? छोले पूरी, चना पूरी. चना पूरी भाजी. पूरी भाजी वो कर लो. तू खिला इडली. इडली खा दो. बड़ा चाहिए छोटा वाला? बड़ा नो. दूसरा वाला ओके. तू डोसा ऑर्डर करता? नहीं, कुछ कर लो. ये है मेरा प्यारा मील. डोसा ऑर्डर किया मैंने. वैसे मैं इडली खाना चाहती थी पर इडली उनके पास फिनिश हो गई थी. और हस्बैंड ने परोटा बोलते हैं वो ऑर्डर किया था. उसके साथ एक दाल थी, एग फ्राई था और ऑल्सो काले चने की करी थी. बहुत ही मज़ेदार. हिम्मत को पूरी चने बहुत अच्छे लगते हैं पर इन्होंने पूरी भाजी हमें दी थी. तो वो चने देख के हिम्मत खुश हो गया कि चने हैं. मैंने बड़ी खुशी खुशी से खाना खा लिया और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था इनका फूड. रिव्यू कर दे. मुझसे तो साउथ पटूरे. ये पटूरे नहीं, पूरी. I told them to do make it. It's पूरी. Guys, I love पूरी. Yeah. मल्लू. गाइज मेरे हस्बैंड ने ना इन्ने वधिया वधिया रेस्टोरेंट छोड़ के यहाँ पे भी लाभ लिया है अपना. पराठा डोसा. Can you squish this? Okay. गाइस हमने ना ऑर्डर किया परांठे और उन्होंने कहा 6 पराठा और ये 6 तीन है. ये क्या? ये चूरी बना रहा है. सो गाइस खाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा था. बहुत ही हल्का फुल्का एंड डिलीशियस. एंड हमने इंट्रोड्यूस किया. सो ये मेरे हस्बैंड के छोटे ब्रदर हैं एंड ये यहाँ पे दुबई घूमने के लिए आए हैं फर्स्ट टाइम. क्या हमें लेने के लिए आए हैं? ले रहे हैं जी, बच्चे हैं लेने के लिए आए हैं.
सो ये भी ट्रैवल करने के लिए आए हैं दुबई के दर्शन करने के लिए, क्योंकि पहला नहीं कभी आए इंडिया दुबई के इतने पास रह के भी कह रहे मैं देखा नहीं, देख गया कि क्या है वहाँ पे। पति तू ही दोनों इधर नाराज क्यों बैठे हैं इतने दूरी, कोई गल दस तो क्या बात करें आप। हाँ मुँह ही बंद हो गया सारा, जुबान ही नहीं रही मेरा फोन नहीं चल रहा। गाइस लुक आई थिंक दोनों यार तू ही सेम ही लगने कैमरे से, क्योंकि ना वो बोल रहे ना गाइस हैप्पी से हाय से समथिंग हाय गाइस हाय गाइस दिस इज मी। चलो बाय चलो ओके गाइस ही इज वेरी शाय जस्ट लाइक हिम या ए ते फिर भी बेचारे थोड़ा बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं आई थिंक शाय फैमिली वेरी शाय फैमिली। ओके हम वेट कर रहे हैं केरला स्टाइल चाय की। और उसके बाद इनकी केरला स्टाइल स्पेशल चाय भी पी, इतनी मुझे मज़ेदार नहीं लगी बट बुरी नहीं थी, एवं झूठ बोलना नॉट बैड थी अच्छी। Harak chai from Dubai straight into your heart. All the way. Okay, so ये है केरला स्टाइल चाय और देखते हैं कैसी लगती है, हस्बैंड को अच्छी लगी नहीं है मदद। ओके सो उसके बाद हमने ना थोड़ा इसी एरिया में थोड़ा समय स्पेंड किया, हम ऐसे नेबरहुड देखना चाहते थे कैसी थी। हर एक जहाँ पे भी आप देखते हैं ना रेस्टोरेंट है वहाँ पे, सो इतनी ज़्यादा ऑप्शंस हैं खाने के लिए, इतने सारे रेस्टोरेंट्स, और एक्चुअली आपको लगता है कि आप इंडिया में ही हैं, लाइक बेटर वर्जन ऑफ इंडिया, क्योंकि हर तरफ आपको इंडियन खाने की ऑप्शन मिलेगी, साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन हर किस्म का इंडियन। एंड थोड़ा समय हमने यहाँ पे स्पेंड किया उसके बाद घर जाके। He kept telling me to let go of my excuse me, you are about to leave because you are Banda. How long have you been recording? You just started. Ki ho gaya? Ki problem kya? Kehte ki un SIM ni issue karde bina local ID to. Acha. ते कहते इतने ना दूर का शोरूम हैगा उत्थे पुछ लो, कहते इन्हें इशू आते कहते तुम करा देंगे हम गड्डी लै आना मैं उत्थे मैट्रो स्टेशन बुरज मान मैट्रो मैं कहना मैं मराती मराती लोकल हाँ लोकल के मंदिर लोकल जब मैं मुँह खोलता फिर पता चल जाता है वो पाजी कहने पाजी है ये। ओके दोस्तों ये है हमारा रूम, अंधेरा लग रहा है क्योंकि मेरा ना सेट नहीं है कैमरा, सो हम लोग पैक कर रहे हैं, देयर इज हस्बैंड पैक कर रहे हैं दूसरे होटल में जाने के लिए, और हमारा व्यू कुछ इस तरह का था बेचारा, और वो देयर आई थिंक इट्स अ स्कूल मम्मी तेरे पापा का स्कूल नो यू गो टू स्कूल। हमने तैयारी की और हमने आज होटल चेंज किया है, आज हमने चेक इन किया है ग्रैंड हयात दुबई में, बहुत ही खूबसूरत होटल है ये, पर हम इसका ज़्यादा लुत्फ उठा नहीं पाएंगे क्योंकि हमें आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा करनी है, सोने के लिए ही आएंगे। बहुत ज़्यादा अच्छा है यहाँ का स्पा स्विमिंग पूल एंड ऑल बहुत मज़ेदार है। हिम्मत ने स्विमिंग पूल का मज़ा एक दो बार उठाया, मैंने नहीं उठाया। ओके गाइस तो ये हमारा रूम से व्यू है, बहुत ही अच्छा
एंड काफी यूनिक किस्म की बिल्डिंग्स की शेप है, यानी कि पिरामिड स्टाइल, एंड यहाँ से हमें दुबई डाउन टाउन दिखाई दे रहा है. एंड वी कैन सी द टॉलेस्ट बिल्डिंग. ओह माय गॉड, दैट यू स्केयरिंग मी. स्केयर यू क्यों है ना? मेरा छोड़ देना डले. हां, मेरा छोड़ देना डले. तो कितना तो स्केयर हो गया. सो गाइस, दिस इज आवर रूम फॉर 3 नाइट्स. सो गाइज, ये हमारा रूम होने वाला है 10 नाइट्स के लिए. एंड हिम्मत बहुत ही ओवरली एक्साइटेड, समझ नहीं आता कि करा की नाइट्स. सो दिस इज़ वेरी नाइस क्लॉजेट जहाँ पे अपना अपना सामान रखना हो. और यहाँ पे शीशा भी लगा हुआ है. मुझे लगता नहीं मैंने आपको आज आउटफिट दिखाया है. मैंने बहुत प्यारी सी वाइट ड्रेस पहनी है क्योंकि आज हम लोग जाने वाले हैं डेजर्ट सफारी में, क्योंकि वो मैं एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ, क्योंकि हमने कभी भी डेजर्ट नहीं देखा. मैं तो नहीं देखा, हस्बैंड ने शायद देखा होगा. सो यहाँ पे खूब सारे लगेज की लाइन है क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान है हमारे पास. और वॉशरूम बहुत ही मज़ेदार एंड क्लीन है, बहुत ही मज़ेदार एंड खूबसूरत है. लास्ट वाले हमारे होटल में ना टब नहीं था, उसे मैं बहुत मिस करती हूँ कि फिर ना मैं बिल्कुल फ्रेश हो जाती हूँ पूरा गरम गरम बाथ लेके. सो ये है शावर, बहुत प्यारा सा टब है. एंड ये जो भी हार्डवेयर है सारा गोल्ड किस्म का है. एंड ये है मिरर अच्छे साइज़ का. अदर में ना मुझे रेडी होने के लिए बहुत ज़्यादा समय लग रहा था, लाइक बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि मेकअप करने के लिए कुछ है नहीं. नाइस, यहाँ पर है मेकअप करने के लिए प्यारा सा शीशा. यू गाइस कैन सी मी. सो यहाँ पर है एंड टॉयलेट सेपरेट है, वेरी नाइस संगमरमर. सो बाल वॉश करने वाले हो गए क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी एंड ह्यूमिडिटी है, तो बालों में से बहुत ज़्यादा ऑयल निकलता है. पर मुझे अभी ना मेरा वो ड्राई शैम्पू करने का समय नहीं मिला है. ड्राई शैम्पू भी कर सकती हूँ पर आज के दिन के बाद सैंड के बाद मुझे लग रहा है नहाना पड़ेगा बालों को. एंड हम लोग रेडी हैं डेजर्ट सफारी करने के लिए. एंड डेजर्ट सफारी में वो आपको आपके होटल से पिक भी करते हैं, अराउंड 2 and 3 के बीच में आएंगे हमें पिक करने के लिए. उसके बाद पूरी इवनिंग हम वहीं पे स्पेंड करेंगे, वो पूरा सफारी पूरा डेजर्ट दिखाएंगे. उसके बाद मील होगा एंड थोड़ा बैले डांस भी है, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस होने वाला है मेरे लिए. मैंने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट. एंड पर उस जाने से पहले ना मैं कोई चाय या कॉफ़ी पीना चाहती हूँ. मुझे लगता है कि 4 दिन हो गए कि मैंने चाय या कॉफ़ी नहीं पी है. आज वो केरला स्टाइल कॉफ़ी पी, चाय पी, अच्छी थी, पर आई एम क्रेविंग फॉर माई नॉर्मल कॉफ़ी. कितने दिन हो गए मैंने पीनी है. सो यहाँ अभी नीचे किसी कैफ़े में जाके मैं ना अपने लिए कॉफ़ी लेने वाली हूँ, पर हस्बैंड कह रहे मैं भी आऊँगा, शायद वो भी आएंगे, आई डोंट नो. सो फार दिस इज़ द न्यूज़ एंड आई विल सी यू गाइस इन अ मिनट. ओके दोस्तों, तो समय हुआ है अराउंड 1:30 एंड वो डेजर्ट सफारी वाले हमें पिक करेंगे 2 and 3 के बीच में. और हमने सोचा कि थोड़ा सा स्नैक खा लेते बाइट, क्योंकि जब वो खिलाएंगे मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा भूख लग जाएगी. अर्लियर जब हमने डोसा खाया था वो केरला रेस्टोरेंट से, तो इतना ज़्यादा हमने ऑर्डर नहीं किया था, हमें लगा कि बहुत ज़्यादा कर दिया, पर क्वांटिटी पिद्दी पिद्दी सी तो ना पेट पर आनी हमारा. सो जल्दी से कुछ खाते हैं नीचे से एंड देन वी आर रेडी टू गो. सो ये बहुत ही प्यारा सा एक कैफ़े है डाउनस्टेयर, इसका नाम है पनीनी. सो यहाँ से हमने जल्दी से कुछ थोड़ा मोटा ऑर्डर कर लिया खाने के लिए, और उसके बाद हम हमारी डेजर्ट सफारी के लिए रवाना हो गए. चिकन नगेट्स एंड फ्राइज पकेट एंड दिस वीगन पनीर एंड दिस चिकन हर्ब सैंडविच. हाँ एंड ब्लैक फॉरेस्ट. ओके सो नीचे आके बैठ गए हम. मुझे लग रहा है हस्बैंड ने ना लेट कर दिया थोड़ा, क्योंकि हमें पिक करने वाले ने आना है 2 से 3 के बीच एंड 2 बज चुके हैं. ना अभी यहाँ पे आकर पनीने है मैंने ऑर्डर किया, बहुत ही प्यारा सा कैफ़े है, बहुत अच्छे अच्छे केक. सो हिम्मत खाने वाला है नगेट्स एंड केक्स. मैंने अपने लिए एक चिकन वाला सैंडविच ऑर्डर किया है, पति मेरे साथ शेयर करेंगे क्योंकि हमें लेटर वहाँ पे भी खाना है. Your charger is top, like, awful. Cookie is a birdie. Just kidding. You.
these days resorts works, but that's a conservation area, not open to the world. And this is the same place where like most of these tours happen, or they are different kind of spots? No, there's two famous deserts. One red dunes where we are going now. Uh-huh. The other one is yellow. There are two colors for the sand. First, we have to go to the red sand for the dune bashing, for quad biking, and then after we came back to the yellow sand for camping. We almost did it. It feels so dark until it fades away, like pavement when it rains. Your tears will ricochet. I got you. तो ये एक एरिया है जहाँ पे आप ये बाइक चला सकते हैं. ये हमारे टूर में इंक्लूड नहीं था, इसके अलग से पैसे थे और ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था. आई डोंट नो मैं इसे रेकमेंड करूँगी या नहीं, क्योंकि हम लोगों ने तो इतनी बाइक चलाई है, हमें तो इतना लाइक कोई मज़ेदार नहीं है. बट महंगा था, अगर थोड़ा सस्ता हो तो अच्छा है. पर या फन ही हुआ एंड ऑफ द डे, आई एंजॉयड इट. पर पति ने मेरे पास से पान दिया दोस्तों, बहुत ख़राब ड्राइवर है मेरा पति. Welcome to my home. You may lose your mind, but you'll never be alone. You'll find memories haunt everything, but we can make some new. When you feel डेजर्ट में और यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं एंड उन्होंने हमें कार की करतब करके बताए एंड बहुत ही मज़ेदार सनसेट होने वाला है. बट इसके बाद मुझे लग रहा है कि हम कैंपिंग साइट में जाएंगे जहाँ पे हमारा डिनर है एंड डांस है एंड एक दो और एक्टिविटीज़. हिम्मत बहुत ज़्यादा प्ले कर रहा है, उसे बहुत मज़ा आ रहा है. हमारा पिक्चर सेशन किया थोड़ा सा एंड बहुत मज़ेदार था और या बहुत मुश्किल आप रहा वो सैंड में समय स्पेंड करना. अरे तो मेरे ना शूज़ भर गए हैं सैंड के साथ, नंगे पर ही आना चाहिए आपको. ओके सो हम हैं डेजर्ट सफारी में और हमने अभी राइड कर रही है बाइक, बहुत ही मज़ेदार है. पर मुझे बहुत डर लग रहा है, मिट्टी अखों में पड़ रही है एंड हस्बैंड बहुत ही रैश ड्राइवर है मैंने देखा. और यहाँ पे ये स्केरी है कि ये पहाड़ी से एकदम से कोई आ जाता है, आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान के साथ करना पड़ेगा. बट यार डिफरेंट एक्सपीरियंस है, बहुत ही मज़ेदार है रियली. And husband making my pictures. वो बाइक के बाद हम ना डेजर्ट में ये गाड़ी में ही चले गए. आई थिंक वो अपनी गाड़ी की हवा निकाल के पता नहीं क्या क्या करतब दिखाते हैं. अच्छा मज़ेदार था पर बहुत ज़्यादा कुछ उन्होंने आउट ऑफ द ऑर्डर नहीं किया. बट या जो भी है आई इन्जॉयड इट. If confidence is power, then it's all in me. Oh, I feel it taking over up and under my skin. Oh, usually a baddie, but today I'm just... Hey, man. Oh,
और अब रात हो चुकी थी तो हमें वो कैंपिंग साइट पे ले गए. यहाँ पे थोड़ा सा कैमल राइड था, एक पिद्दू सा चक्कर, एंड देन यहाँ पे ये डांस परफॉर्मेंसेस थी अलग अलग किस्म की, एंड ऑल्सो यहाँ पे बफे था खाने के लिए. और उसकी मैंने वीडियो शूट नहीं किया, पर अच्छा मील था. दाल चावल भी थे, चने भी थे, रोटी थी, फलाफल ऐसा ग्रिल वाला चिकन एंड ऑल, सो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन थे. ऑप्शन थी. उसके बाद हम घर चले गए. बहुत बुरी तरह थक गए थे क्योंकि हमने अन्य एक्टिविटीज़ अन्य छोटे पीरियड में कर ली. और उसके बाद हम डायरेक्टली सोने के लिए चले गए और उसके बाद मैंने वीडियो नहीं बनाई है. सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी. अगर लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना, मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं. मैं आपको कल मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ. थैंक यू, बाय.